नमस्कार मित्रों, आप सभी को शुभ दीपावली और धनतेरस की बधाइयाँ। दोस्तों, धनतेरस और दीपावली, आज हम कुछ ऐसी चीज़ें बातें करने जा रहे हैं कि धनतेरस के दिन क्या खरीदें, क्या नहीं खरीदना चाहिए और धनतेरस का विशेष महत्व क्या है और धनतेरस के दिन पूजा और दीपावली की पूजा कैसे करें। दोस्तों, आप सभी हमारे चैनल पर बने रहेंगे। दोस्तों, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारी अगली वीडियो भी आप तक पहुंचे, आपके वीडियो काम की रहेगी और आप इस वीडियो को ज़रूर देखेंगे। दोस्तों, आपके ज़्यादा समय नहीं लेंगे। धनतेरस करना क्या है, कुछ चीज़ें हैं, कुछ पॉइंट बताऊँगा, उस पॉइंट को आप ध्यान दीजिएगा क्या क्या करना है। दोस्तों, को झाड़ू का महत्व तो आप सभी ने सुना होगा झाड़ू का, लेकिन झाड़ू क्या करना है उस दिन। दो झाड़ू लेने हैं आपको। कितने झाड़ू? दो झाड़ू लेने हैं। दो नमक का पैकेट लेना है, दो पैकेट नमक लेना है। चीनी लेना है, वही 2 kg चीनी, दो पैकेट चीनी अलग अलग करना है। 2 kg नमक, 2 kg चीनी और 2 झाड़ू, झाड़ू फूल वाला हो या नारियल वाला हो, दोनों मिक्स करके ले सकते हैं, बट 2 झाड़ू लेना है। और दोस्तों, उस दिन परहेज क्या करना है, नहीं में क्या लेना है, काले चीज़, काले कलर की कोई भी वस्तु ना ले, जैसे में तावा हो या और वो कुछ अन्य बतिए, अन्य वस्तुएं जो भी हो आपको नहीं लेना है। और क्या नहीं लेना दोस्तों, और क्या लेना आपको? नुकीले चीज़, कोई भी जो धार वाली चीज़ होती है ना, वो नहीं लेना। जैसे में चाकू हो गया, सुई हो गया, कैंची काटने वाली होगी सो हो गया, और इस तरह के अन्य जो नुकीले वस्तुएं हैं, धार वाली है, काटने वाली चीज़ है, वैसा कोई भी वस्तु ना ले। यहाँ तक कि सुई भी होता है वो भी नहीं लेना, पिन नहीं लेना, कुछ भी नहीं लेना। और काली वस्तु तो बिल्कुल परहेज करना है। कील हो गया, काटी हो गया, खाना बना ले, रोटी बना ले, जो तवा हो गई या कढ़ाई हो गया, और भी कुछ ऐसा चीज़ होता है बिल्कुल ना लें, परहेज करें। क्यों? क्योंकि शनि का चीज़ होता है, काला शनि का होता है। अगर आप काली वस्तुएं करते हैं तो आपके धन वाले दिन आपके शनि का प्रकोप होता है। तो दोस्तों, ऐसा नहीं करें, शनि ग्रह को इन्वाइट ना करें। अब कुबेर महाराज को इन्वाइट करें। चीनी जो होता है हमारा शुक्र प्रधान होता है, नमक हमारे निगेटिविटी को दूर करता है, हमारे घर के नकारात्मक शक्तियों को दूर करता है। और झाड़ू एक शुभ माना जाता है कि लक्ष्मी का दिन है, ठीक है। लेकिन डबल में लेना है, दो क्यों लेना है? कहते हैं कि जब भी होते हैं तो दो करते हैं ना, माँ लक्ष्मी का भी पूजा करते हैं, भगवान गणेश का भी पूजा करते हैं, और जब भी हम बोलते हैं ना राम सीता लक्ष्मी नारायण शिव पार्वती, तो हमेशा जोड़े में होता है, तो जब भी करें तो जोड़ा में काम करें। दोस्तों, और आपको करना क्या है उस दिन? धनिया लेंगे, आपको कुछ पूजा करना है उस दिन, पूजा करते हैं, पूजा के स्थान को पूरा अच्छे से पूरा साफ सफाई करेंगे। कोशिश दोस्तों करना है कि घर के सभी फैमिली मेम्बर अगर सभी इकट्ठे हैं तो थोड़ा थोड़ा हाथ सब लोग बटाएंगे सफाई करने में। लाख अपने सफाई किया, बट फैमिली का हर मेम्बर, हर सदस्य थोड़ा ही सही, लेकिन सभी को पूजा स्थान में, घर में साफ सफाई में हाथ बटाना चाहिए। ताकि कहावत है ना कि अगर आपके कहीं अगर बाहर में है तो आप अपना हाथ से भी छू दिए तो आपका भी नाम हो गया, उस पूजा में करना। कुछ चीज़ें ऐसी होती है, काफ़ी चीज़ें हो, वस्तुएँ हो जो होती है, उसको मान्यता है कि 25 चीज़ें, 32 चीज़ें या 36 चीज़ें, ऐसी कुछ वस्तुएँ कि जिसको एक स्थान से परिवर्तन करना, हटानी नहीं है, डिस्ट्रॉय करना, बस उसको हिलाना, चेंज करना। कैसे करना दोस्तों, मैं बताऊंगा। काफ़ी अच्छा जी, वस्तुएं में क्या है, फिलहाल दोस्तों पूजा किया, पूजा स्थान को सजाना है। पूजा स्थान में आपको क्या करना है, पीले कलर की कपड़े, जो चौकी होती है, जो आप पूजा पहले से जो आपका पूजा स्थान है साफ करना है, वहाँ पर पीले कलर की कपड़े रखनी है, आसन बिछाना है। अगर आपके पास धन्वंतरी जी का तस्वीर अगर है तो अच्छी बात है, धन्वंतरी जी का तस्वीर लगाएं, माँ सरस्वती के लगाएं और लक्ष्मी जी का लगाएं। और अगर आपने लक्ष्मी गणेश का मूर्ति लिया है तो भी आप लें,
वहाँ पे आपको लेना है। अगर आपके पास सोने की, चांदी की या पित्तल की अगर लक्ष्मी गणेश है तो कोई बात नहीं, उनमें आपको क्या करना है, गंगा जल से स्नान कराना है, धोना है, वो प्रक्रिया आपको बताऊँगा। आपने पूजा स्थान को साफ कर लिया, सारे तस्वीर को रख लिए, तस्वीरें माँ सरस्वती माता का, लक्ष्मी माता का, कुबेर जी महाराज का जो हमारे धन के भंडार भरने वाले हैं, और तीसरा हो गया धन्वंतरी देवी का। अगर घर में काफ़ी बीमार, कलह कलेश, बीमारी से परेशान है, असाध्य रोग है, रोग नहीं जा रहे, तो धन्वंतरी जी का बहुत ही विशेष महत्व है, आपको उनको रखना है। इसके एक पौराणिक कथा है, बट मैं दूसरी वीडियो में बताऊंगा कैसा क्यों करना है, इसके रखने से इसके पीछे लॉजिक क्या है। फिलहाल अभी आप बने रहेंगे, करना है आपको समझिएगा। अपने सारा सामग्री तैयार कर लिया, सब कुछ कर लिया, उस दिन क्या करना, पीले फूल, पीली मिठाइयाँ, हो सके तो पीले कपड़े भी पहने, सफ़ेद कपड़े पहने, थोड़ा चमकदार लाइट कलर के कपड़े पहन सकते हैं, लेकिन आसन जो है ना लाइट पीला, ज़्यादा डार्क पीला नहीं बिछाना, लाइट पीला आसन जो बिछाना पूजे के स्थान को। फिर क्या करना है दोस्तों, आपको एक कटोरी में जो है ना धनिया लेना, खड़ा साबुत धनिया लेना, साबुत धनिया। दूसरा 13 कौड़ी, कौड़ी ऐसा है ना कि माँ लक्ष्मी का अति प्रिय है, लक्ष्मी माता को कौड़ी बहुत पसंद है, तो आपको कौड़ी कितना लेना है, 13 कौड़ी। गोमती चक्रा वो भी 13 लेना है, और थोड़ा सा धनिया लेना है, कटोरी में लेना है, बस इतना ही सा। और क्या करना है, जो हम लोग दिया जलाते हैं ना, घी का दिया, जो मिट्टी के दिया में जो जलाते हैं, जो बाती है, तो रुई की जो बाती होती है जिसे बट भी बोलते हैं, अलग अलग जगह बोलते हैं, रुई का जो दिया के अंदर जो बाती है जिसे हम जलाते हैं, उस बाती को आपको क्या करना है, 13 बातियाँ जो छोटी छोटी बातियाँ होती है, उस 13 बातियों को एक बना लेना है, यानी छोटी सभी को एक मिला के और उसको लपेट के पूरा करके एक बाती बनाएंगे, मोटा बाती बना लेंगे। 13 बाती अलग अलग बनाना है, आपने ले लिया, और उस 13 बाती को मिला के एक बाती बनाना है, जो रुई वाली बाती है जो घी के दिए में जलाना है, सॉरी उस दिन धनतेरस है, उस दिन घी के दिए में नहीं जलाना है, उस दिन तेल में जलाना है, क्योंकि जम महाराज का दिया निकलता है, तो जम का ऐसा प्रतीक है, मैं आगे बताऊंगा क्या करना है। उस 13 बाती को एक बाती बना लेना है, और बना के आपको रेडी करना है। अब क्या करना है दोस्तों, पूजा के स्थान पर आपको तो घी की बाती जलाना ही है, और उसमें घी डालना है, जो 13 बाती वाला जो बताएं, एक बाती बना लेना, उसमें घी डाल दें, घी डाल के आप जला दें। जब जलाते हैं उसके बाद क्या करना है, आप जैसे पूजा करते हैं भगवान माँ लक्ष्मी की, कुबेर महाराज से आराधना करना है और पूजा करनी है पहले भगवान गणेश की, और आपको एक मंत्र उच्चारण करना है जब पूजा करते हैं, तो उस दिन वो मंत्र क्या है अब ध्यान से समझेंगे। ओम नमो गणपते कुबेर ए टिकरो फट स्वाहा, फिर से सुनेंगे दोस्तों, ओम नमो गणपते कुबेर एक टिको फट स्वाहा, फिर से ध्यान देंगे, ओम नमो गणपते कुबेर एक टिको फट स्वाहा, ओम नमो गणपते एक टिको फट स्वाहा। इस मंत्र को 108 बार जाप करना है। मंत्र है दोस्तों, ओम नमो गणपते कुबेर एक टिको फट स्वाहा, माफी चाहेंगे, मंत्र को फिर से मैं एक बार आपको रिपीट कर दे रहा हूँ, ओम नमो गणपते कुबेर एक टिको फट स्वाहा। इस मंत्र को 108 बार आपको जाप करना। और क्या करना है दोस्तों, अगर आप सर्विस कर रहे हैं, या आप कहीं जॉब कर रहे हैं, या बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, कुछ भी आपके पास जिससे आपका धन अर्जित कर रहे हैं, आईडी होती है ना, बच्चे की स्कूल जा रहा है तो आइडेंटिटी कार्ड हो गया, आप अगर ऑफिस में सर्विस कर रहे हैं तो आपका भी कोई आईडी कार्ड होगा, कुछ भी वैसा चीज़ जिसके से आपको धन अर्जित हो रहा है, धन को अर्जित कर रहे हैं,
वो सारी चीज़ें आपको उस पूजा स्थान पर कुबेर जी महाराज के पास, लक्ष्मी माता के पास अर्पित करना, रखना। और एक और विशेष चीज़ क्या करना है, आप वहाँ पे रख दीजिए। रखना क्यों है, क्योंकि आप जहाँ पे सर्विस कर रहे हैं, आपकी आईडी है, आपकी पहचान है, आप अगर विद्यार्थी हैं, आपकी दुकान है, कुछ सर्टिफिकेट है, कुछ वैसे नोट्स हैं। बहुत लोगों तो जो है ना कॉपी किताब, पेन भी, कलम भी रखते हैं, कुछ अपना बॉक्स भी रखते हैं। क्यों रखा जाता है, आप ऑफिस में जॉब करें, उसी सर्विस से, उसी जगह से आपको लक्ष्मी आ रही है। आप अगर ऐसा रखते हैं तो आपके लक्ष्मी में बढ़ोतरी होगी, आपके जॉब में प्रमोशन होगा, कुछ भी विधि से लक्ष्मी आपके ऊपर मेहरबान रहेगी, कुबेर का भंडार भरपूर रहेगा। और दोस्तों एक चीज़ और विशेष चीज़ कर सकते हैं, एक मन इच्छा, आपकी अगर कोई इच्छा है, आपकी इच्छा पूरी नहीं हो रही है, तो धन का, धनवंतरी का वो दिन है, कहते हैं धन त्रियोत्सी का दिन है, धन चारों दिशाओं से आएगी आपके पास। आपकी एक सोच और एक कागज़ का टुकड़ा लेना है, सफ़ेद कलर की, सफ़ेद कागज़ की टुकड़ा ले, लाल कलम से उसके ऊपर लिखना है अपनी मन की इच्छा। लेकिन लिखना कैसे है, प्रेजेंट टेंस में। प्रेजेंट टेंस यानी कि आपको ऐसा लिखना है कि मेरा एक कार्य हो रहा है। सो बोलते हैं ना, आई एम ग्रेटफुल, भगवान को हम धन्यवाद करते हैं, ईश्वर आपने मुझे दिया, परमात्मा ने मुझे आप सब कुछ दिया, माँ लक्ष्मी आपकी कृपा मेरे ऊपर बनी रही है, बन रही है। ऐसा नहीं कि बनेगी नहीं, होगी नहीं, फ्यूचर में नहीं, प्रेजेंट में जाना है। आपकी ये काम बिल्कुल बनना चालू हो गई। आपको ऐसा प्रार्थना करना है कि मेरे, आपकी जो मनोकामना है ना, आपने जो मनोकामना लिखा है, आपको ऐसी करना है कि आपकी मनोकामना पूर्ण होना चालू हुई। आपके पास कर्ज में है, आपको ऐसा लिखना है कि मैं कर्ज मुक्त होते जा रहा हूँ, हमारे पास चारों दिशाओं से धन आ रही है, हमारा भाग्य बड़ा हो रहा है, हमारे हाथ की जो है ना भाग्य की लकीरें वो बढ़ने लगी है, चारों तरफ से धन हमारे पास आ रहा है, सभी लोग हमें सहयोग करें, हमारा पुण्य के खाता जमा हो गया, हमारे पास जो है हमारा भाग्य उदय हो गया, कुबेर महाराज हमारे पास कृपा कर रहे हैं। आपको ये संकल्प करना, इतना लिखना नहीं है, लिखना एक ही चीज़ है जो आपके मन की इच्छा हो आपको लिखना है, लेकिन प्रेजेंट टेंस में। अगर आपके पास धन की समस्या है, आपको सिंपल लिखना है, हमारे पास धन आना चालू हो गया, हमारे पास धन की आगमन होनी चालू हो गई है, हमें धन की अब कोई कमी नहीं। विवाह में समस्या है, आप ऐसा लिखेंगे, हमारा विवाह का रिश्ता आ गया, बस हमारा विवाह होना चालू हो गया, प्रोसेस चालू हो गया, प्रक्रिया चालू हो गई, मकान नहीं हो पा रहा है, घर नहीं खरीद पा रहे हैं, ज़मीन नहीं खरीद पा रहे हैं, प्रॉपर्टी से संबंधित समस्या है, बिजनेस से संबंधित समस्या है, नौकरी नहीं हो रही है, अन्य किसी भी समस्याओं से परेशान हैं, आपको उस इच्छा को प्रेजेंट टेंस में लिखना, ये ध्यान जरूर देंगे, प्रेजेंट टेंस में लिखना है। ठीक है दोस्तों, आगे क्या, फिर क्या करना है, ये पूजा कर लिए, सारा प्रक्रिया कर लिए, और कौड़ी जो लिए हैं और जो गोमती चक्र है उसे क्या करना है, आप जो बड़े वाले दिया जो लेना है ना माटी का, वो बड़े दिया लीजिएगा, छोटे नहीं, बड़े दिया लीजिएगा, और जो 13 बाटी का एक बाती बनाए थे उस बाती को, और घी उसमें भरना है, ध्यान देना घी पूरा भरना और दिया पूरा भर जाना चाहिए, खाली नहीं करना दोस्तों, उसमें कोई कुंजी से नहीं करना, पूरा दिया को घी से भर देना है और उस मोटा बाती को डालना, दिया इतनी बड़ी लेना है, उसके अंदर आपकी 13 गोमती चक्रा और 13 कौड़ियाँ उसी दिए के अंदर डाल देना है और उस दिए को दीप प्रज्वलित कर देना है, जला देना। जलाने के बाद माता को पास रखेंगे, आप प्रार्थना करेंगे, पूजा करेंगे, और तीनों जो है आपको दोनों जो सामग्री बताया उस सामग्री को पूरा आप रात भर उसी में छोड़ देंगे। उसी दिया के अंदर जो माँ लक्ष्मी, भगवान गणेश और कुबेर महाराज के पास, माँ सरस्वती के पास जला रहे हैं वहाँ पे। अगर तस्वीर आपके पास, अगर मूर्ति नहीं है इन देवी देवताओं को, तो आप तस्वीर भी लगाएं, लेकिन माँ सरस्वती का, लक्ष्मी का, कुबेर जी महाराज का और धन्वंतरी जी का भी अवश्य तस्वीर लगाएं। मूर्ति में अगर आपको दिक्कत हो रही है तो तस्वीर ज़रूर आपको लगाना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं बीमारियाँ भी है, जाने अनजाने में कुछ न कुछ बीमारियाँ भी बनी रहती है। और क्या करना है दोस्तों, एक और चीज़ मैं बता रहा हूँ,
धनतेरस के दिन दवाइयां आदि नहीं खरीदनी है। काले चीज का परहेज परहेज वो बताए थे, परहेज काले चीज़ नहीं खरीदनी है, दवा नहीं खरीदनी है, उस दिन दवा भी नहीं खरीदना है। आपको अगर श्रद्धा है तो उस दवा को हॉस्पिटल में जाके डोनेट कर दीजिए, अब हॉस्पिटल में बांट दीजिए दवा को, बट आपको खाना बिल्कुल भी नहीं है, ये आप ध्यान देंगे, और दवा खरीदना नहीं है, सॉरी खाने के लिए अगर हैं तो खा सकते हैं, खरीदना नहीं है। अगर आपको कोई समस्या है तो पहले से दवा लेके रखें, ठीक है। और बाकी वह माँ सरस्वती पर धन्वंतरी जी को सौंप दे अपनी बीमारियों को, वो आपकी जी बीमारियों को लेने वाली है, हरने वाली है वो धन्वंतरी माता, इसलिए उनके हाथ में देखेंगे ना कि एक हाथ में अमृत रहता है, कलश रहता है, आशीर्वाद रहता है, फूल रहता है, तो अमृत ही देने वाली है, आपकी बीज जो है ना आपकी बीमारियाँ को लेगी और आपको अमृत प्रदान करेगी, तो बिल्कुल न कर दें। और एक मन में श्रद्धा और विश्वास रखें, चीज़ें सारी कुछ ठीक होगी, और विधि से पूरा विधि पूर्वक पूजा करें। और क्या करना है दोस्तों, आपने पूजा कर लिया, आरती की समय आ गई, आपने आरती भी कर लिया, गणेश जी का, लक्ष्मी जी का, सरस्वती माता का आपने आरती कर लिया, ये पूजा होगी। अब आपको दूसरे दिन करना क्या है, आपने जो धनिया लिया ना कटोरी में, उस धनिया को क्या करेंगे, या तो खाने के चीज़ों में इसको जो है ना आप यूज कर सकते हैं। ऐसे कोशिश कीजिए 5 दिन तक आपको रखे, आपने जो कौड़ी लिया है 13 कौड़ियाँ 13 गोमती चक्रा उसे 5 ही दिन रहने दें। जिसे आज धनतेरस है, लक्ष्मी पूजा जिस दिन आता है, लक्ष्मी पूजा हो जाती है, उस पूजा के दूसरे दिन आपको वो कौड़ी को दिए से, घी के दिए से निकालना है, उसे साफ कपड़े से पोछना है, गंगा जी से धोना है, और पीले कलर के कपड़े में पोटली बांध कर आप अपने धन के स्थान पर, जहाँ पर आप गल्ले हो, ऑफिस में हो, या जहाँ पे भी आपका पैसे रखते होंगे, उस जगह पर आपको सामग्री को रखना है। और यही माता से प्रार्थना करना है, क्योंकि उसके अंदर के है ना माँ लक्ष्मी माँ कुबेर का आपका स्टॉक भंडार भर गया, वो पूरा उसके अंदर आशीर्वाद है, वो पूरा एकदम शक्ति माँ डाल देंगे, कुबेर महाराज उसके अंदर प्रवेश करेंगे। आप ऐसा करना कि इसके अंदर माँ लक्ष्मी बैठी हुई है और उनकी अपार कृपा हमारे पास आ रही है, और हमारे धन्य धान्य से हमारे गल्ला, बिजनेस, रोजगार, पूरे परिवार, समस्त लोगों का, समस्त जन का कल्याण हो रहा है और सब कुछ अच्छा हो रहा। आप एक अच्छे गुड विशेष के साथ, एक अच्छे सोच के साथ उस सामग्री को आप अपने गले में रखेंगे, जहाँ पर आप पैसे रखते हैं, दुकानदारियों, व्यापारियों, लोग, भाई बहन, या आप ऑफिस में, कोई भी जगह पे जहाँ पैसे रखते हैं, उस सामग्री को रखना है। उस धनिये को क्या करना है, उस धनिये को खाने की चीज़ों में यूज करना है। आप अगर पोटली में रखना चाहें तो पोटली में रख सकते हैं थोड़ी सी, और उस धनिये को खाने की सामग्री में डालें, उसे पीस कर अब पूरे परिवार को उस खाने को खिलाएं। माता को पूजा वाले दिन क्या करना है, दूसरे दिन लक्ष्मी पूजा के दिन क्या करना है, तो धनतेरस का लक्ष्मी पूजा के क्या करना है, सेम प्रोसेस जैसे पूजा करते हैं, जो आपने किया वही की पूजा करना है। अच्छी सी मिष्ठान, बिल्कुल बिल्कुल साफ ड्रेस, साफ स्वच्छ, और 27 चीज़ों, 30 चीज़ हिलाना क्या, अगर आपकी टीवी है थोड़ा सा उसको हिलाना, अगर आपकी ड्रेसिंग टेबल है उसे भी थोड़ा सा हिलाना, उस जगह को यानी फ्रीक्वेंसी को चेंज करना, क्योंकि एक ही जगह पर स्टक हो गई साल भर से, उस चीज़ को थोड़ा सा अनबैलेंस करना, हिलाना है, वहीं पर रहेगी बट थोड़ा सा आगे पीछे कर सकते हैं। टीवी, सोफ़ा, गोदरेज, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, कुछ भी हो, ऐसी 27 या 30 चीज़ें या 36 चीज़ें जो आपके घर में होगी, उन सारी चीज़ों को आप देखेंगे, पंखा हो गया, कुछ भी चीज़ हो गया, उन चीज़ों को थोड़ा बहुत हिलाना है, हिलडुल कराना है। किचन में आपके मसाला डिब्बे जो भी एक जगह फिक्स करके रखेंगे, वो सारा चीज़ को थोड़ा सा हिला दे, कुछ न कुछ ऐसे ही आपको करना है। और हर कोने को साफ रखना है, सफाई बिल्कुल रखनी है। जम के वाले दिन क्या करना है, फिर आपको जो है ना जब रात्रि होती है तो आपको जम का दिया लगाना है, लेकिन मिट्टी का, और दिया घर से बाहर करें, और दिया को जला के घर से बाहर इसको दूसरे दिन सुबह जो है ना डस्टबिन उसको डाल दें, और वो जम के दिया जलाने के बाद फिर आप दूसरे दिन से आप अपने घी के दिया, जम के दिया जब भी जलाएँ तो दक्षिण और पश्चिम दोनों कोना पर रखें, दरवाजे के दोनों साइड में, इस तरफ ही और इस तरफ भी, दोनों दरवाजे के तरफ रखें, लेकिन घर के बाहर, दरवाजे के बाहर जलाएं। आप सभी ऐसा करते ही आएंगे, और फिर अपना जो प्रोसेस, नेक्स्ट डे जो आप दीपावली मनाते हैं, दीपावली मनाएं,
अच्छे से माँ को प्रसन्न करें। और ये प्रक्रिया जब भी आपको करना है, ये लक्ष्मी पूजा का दिन करना है, तो रात्रि को 11 से 1 के बीच में इस पूजा को करें, काफ़ी फलदायी होगा। और भी साधना है, कमल गट्टे की माला लें, उस माला से माँ को प्रसन्न करें, कमल गट्टे भी माला को चढ़ाएं, गुलाब के फूल चढ़ाएं, गुलाब की पंखुड़ियाँ चढ़ाएं, गुलाबी वस्त्र या तो पहने या तो माँ को अर्पित करें, माँ लक्ष्मी को गुलाब का इत्र का प्रयोग करें, गुलाब सेंटेड चीज़ों का प्रयोग करें, और माँ को जो मिठाई भी चढ़ाएं, वो कोशिश करें कि दीपावली के टाइम काफ़ी मिठाई नहीं होता, कुछ वैसा चीज़ घर में बनाएं, बहुत शुद्ध चीज़ पकवान वैसा बनाएं जो माँ को कुछ अर्पित करें। मिठाइयाँ तो लाते ही हैं, लेकिन कुछ घर में वैसा पवित्रता शुद्धता से माँ के लिए कुछ वैसा भोग बनाएं और भगवान गणेश को अर्पित करें, माँ लक्ष्मी को, धन्वंतरी जी को और माँ सरस्वती को अर्पित करें, भोग लगाएं और उस भोग को सभी लोग खाएं, सभी आपस में मिलजुल के खाएं और पूरे परिवार एक साथ बैठ के इस पूजा को करें और उस माँ को आशीर्वाद लें। लेकिन दोस्तों, और एक दिन विशेष मैं एक चीज़ बताना आपको भूल गया, बता दे रहा हूँ। उस दिन क्या करना है कि पोछे जो घर में जो लगाएंगे ना सभी सदस्य, उसमें थोड़ी चीनी, थोड़ी नमक वो बाल्टी में डालेंगे और उसको पोछा लेंगे। चीनी ज़्यादा ना हो ताकि चींटियों को निमंत्रण नहीं देना है, चीनी की मात्रा बिल्कुल कम, एक थोड़ा सा डालना है, नमक डालना है और नमक चीनी का घोल से ही पोछा लगाना है। धनतेरस के दिन और दीपावली के दिन भी दोनों प्रक्रिया ये डाल के लगाना है। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही वीडियो बने रहें। आप सभी को बहुत ही बहुत दिल से धन्यवाद, आप सबका शुभ दीपावली। दोस्तों, इस वीडियो को दोबारा मैं बता रहा हूँ, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है दोस्तों, आप सभी का धन्यवाद, शुभ रात्रि, हैप्पी दीपावली, हैप्पी धनतेरस।